हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। ओके, तो हम प्रीवियस वीडियो में मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट के बारे में बात किए थे, ठीक है, कि हम मेम्ब्रेन फिल्टर टेस्ट से किस तरीके से हम पैथोजेंस का अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉलीफॉर्म। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एमपीएन टेस्ट। कि आइए देखते हैं कि ये एमपीएन टेस्ट होता क्या है, ठीक है। कि ये जो टेस्ट होता है ये जनरली हमारा आउटडेटेड हो चुका है और ऑब्सेलेट हो चुका है, यानी ये टेस्ट आजकल जनरली हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर को मेजर करने में, ठीक है। बट हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन तो इसी से रहने वाला है, तो हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम इसको यूज नहीं करते हैं फील्ड में, अब ये बहुत ही घट चुका है, ठीक है, इसका यूज़ बहुत कम हो चुका है। तो देखिए, इस मेथड में हम करते क्या हैं, इन दिस मेथड वी विल कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबल बैक्टीरिया का को कैलकुलेट करेंगे। ओके, कि हमारा मोस्ट प्रोबेबल बैक्टीरिया क्या है हमारा वाटर सैंपल में, उसी को हमें इस टेस्ट में मेजर करना है, ठीक है। तो देखिए, इस टेस्ट में सबसे पहले बात होती क्या है, ठीक है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा कोई वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल हमने ले लिया। ओके, वाटर सैंपल लेने के बाद इसमें हम करीब 200 ml वाटर को फिल कर दिया। कितना किया, 200 ml, है ना। तो 200 ml कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब, दो टेस्ट ट्यूब, तीन टेस्ट ट्यूब, चार टेस्ट ट्यूब, पांच टेस्ट ट्यूब, 6 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके, तो इसमें से एक से लेके जो पाँचवा टेस्ट ट्यूब होगा, ये सब का हम जनरली यूज करेंगे डाइल्यूशन पर्पस, ये सैंपल को रखने के लिए। और ये जो लास्ट वाला जो सेटअप है मेरा, जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब का हम जनरली यूज करेंगे डाइल्यूशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो हमारा सब का ये जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ इच ट्यूब इज 10 ml, ठीक है, 10 ml। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सब में हम वाटर, ये जो सैंपल था उसको, सैंपल को भर देते हैं, ठीक है, सैंपल को हमने भर दिया। ओके, सैंपल को हमने इसमें भी भरा। ओके, इतना भर लिया। आइए अब हम बात देखते हैं, इतना था मैंने भर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जो कितना हमारा डाइल्यूशन हो गया, 1 ml, 10 ml, 10 ml, समझ में आ रही है, 10 ml कैसे हुआ डाइल्यूशन। देखिए, ये जो 10 ml जो मैंने क्या किया, सब में 10 ml भर दिया इसको, है ना। तो इसको हमको 10 ml भरने के बाद ऐसा होगा कि सब 10 ml लेने के बाद मैंने फिर से एक टेस्ट सीरीज सेट लिया, ठीक है, इस तरीके का काम, करीब 4 5 6 इस तरीके का सेट्स बनाते हैं, 5 6 6 टेस्ट ट्यूब का। तो हमने इसमें क्या किया, फिर हमने भर दिया, 6 टेस्ट सीरीज टेस्ट ले लिया। तो 6 में क्या किया मैंने, इसका हाफ हाफ मैंने कुछ भरा, 9 9 ml मैंने भर दिया इसमें, और 1 ml इसका डाल दिया, फिर 1 ml इसका डाला, फिर 1 ml इसका डाला, इस तरीके से हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इसका हमारा थ्योरी क्या है। एमपीएन टेस्ट इज मल्टीपल ट्यूब, ठीक है, फर्मेंटेशन टेस्ट इन विच वी मिक्स वाटर सैंपल विथ डिफरेंट डाइल्यूशन रेशियो एंड लैक्टोज बर्थ विच एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट्स फॉर कैलिफोर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कि हमने जो क्या किया था कि जो टेस्ट जो सैंपल लेते थे ना, ठीक है, हमने ले लिया, इस पे हम ना लैक्टोज क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ताकि इससे क्या होता है ना कि मेरा जो कैलिफोर्म का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। ओके, कैलिफोर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज लैक्टोज बर्थ एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कि हमारा जो लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज को खा के माइक्रो और कैलिफोर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड प्रोड्यूस करता है। द सैंपल्स आर इंक्यूबेटेड एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 आवर, ठीक है, इसको हम 28
24 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, हम इसको जनरली यूज करते हैं। ओके, हम इसको करीब 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 आवर के लिए यूज करते हैं। आफ्टर इनक्यूबेशन द टेस्टेड द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिफरिंग टू द स्टैंडर्ड टेबल कॉरिस्पॉन्डिंग टू रिजल्ट ऑब्जर्वेशन। हमने इसको क्या करते हैं कि जो हम डाइल्यूशन लेते हैं उसको स्टैंडर्ड टेबल से, एमपीएन स्टैंडर्ड टेबल होता है, वहाँ से हम देख लेते हैं, ठीक है, जिसका मेरा हम मेजर करते हैं एमपीएन पर 100 ml, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं जब हमारा दिया रहेगा टेबल, दिया रहेगा एमपीएन टेबल तब, ठीक है। नेक्स्ट है, जब हमारा एमपीएन टेबल नहीं दिया रहेगा, ये सब डाटा को मत देखिए, आप ये सब डाटा को देखिएगा कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, ठीक है, ये सब डाटा को नहीं देखना आपको, मैं जितना बता रहा हूँ आप उस चीज़ को देखो, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अदरवाइज देखिए, वो तो जो मैंने एमपीएन जो टेस्ट था उसको हम क्या करेंगे, एमपीएन टेबल से हम मेजर कर लेंगे अपना डाइल्यूशन के हिसाब से लेके कि कितना कितना हम सैंपल का डाइल्यूशन किए हैं। ओके, तो हमारा जो इस, अगर हमारा किसी कारण से क्वेश्चन में हमारा टेबल प्रोवाइड नहीं किया गया है तो हम उसमें कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो एमपीएन आप नोट डाउन करें, एमपीएन बाय 100, इसको यहाँ से मेजर करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब बाय अंडर रूट ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव ट्यूब, ml ऑफ सैंपल नेगेटिव ट्यूब इनटू ml ऑफ सैंपल इन ऑल ट्यूब इनटू 100, ठीक है। देखिए यहाँ पे जनरली क्या था कि हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब और नेगेटिव ट्यूब का फंडा क्या है, ठीक है, मैं इस चीज़ को आपको यहाँ से समझा देना चाह रहा हूँ। ओके, कि अगर मैंने आपको क्या बताया कि कैलिफोर्म हमेशा पॉजिटिव टेस्ट ये नेगेटिव टेस्ट देता है, तो मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया, एक सैंपल यहाँ है मेरा, एक सैंपल यहाँ है, ठीक है, तीन सपोज डेट मैंने सैंपल लिया, तो देखा किसी कारण से कि इस सैंपल पे मेरा कैलिफॉर्म मिल गया, तो ये क्या दे दिया, पॉजिटिव दिया, इस पर कुछ नहीं मिला, इस पर हमको कुछ नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव दिया, ये क्या दिया, नेगेटिव दिया, ये नेगेटिव दिया। ऐसा ही किसी केस में क्या होगा कि मेरा यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर फिर मिल जाएगा, तो सब में पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ओके, तो नेक्स्ट है मेरा कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ये क्या होता है, कैलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ अ स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैंपल दैट गिव्स पॉजिटिव बी कोलाई टेस्ट। इसको हम बी कोलाई टेस्ट भी बोलते हैं, बी कोलाई इंडेक्स एन एम एन पी आर एब्सोलेट। ये तो हमारा चला गया, मैंने आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो ये सबसे, अब मेरा जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा जो पार्ट है, मैं अब उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमारा डिजीजेज क्या क्या हो सकता है अगर हमारा वाटर में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो क्या क्या डिजीज हो सकता है। जो पहला जो डिजीज होता है बैक्टीरिया के कारण, देखते हैं कि बैक्टीरिया से मेरा क्या क्या होता है, तो नोट डाउन करिएगा बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीजेज होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें जो डिजीज होता है ये होता है टाइफॉइड। ओके, टाइफॉइड होता है, कोलेरा होता है जिसको हम हैजा बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम से होगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया बैक्टीरिया से क्या क्या हमारा डिजीजेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, देखिए वायरस से क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, समझ में आ रही है, हेपेटाइटिस यानी जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, जॉन्डिस जिसको हम क्या बोलते हैं कि देखिए खराब पानी पीने से इसे जॉन्डिस हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है पोलियो, आपने तो दो बूंद पिया ही होगा, ये होता है वायरस के कारण,
ओके समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है मेरा प्रोटोजोवा के कारण जो होता है वो होता है हैम्बोइक होता है एंड डाइसेनेटरी होता है, ठीक है। एंड ये इसके कारण हमारा जो होता है प्रोटोजोवा के कारण जनरली वो होता है मेरा वर्म। वर्म भी एक रोग है, इसको हम बोलते हैं कृमि रोग, ठीक है। तो हमारे यहाँ से वर्म भी होता है, ओके। तो देखिए जनरली हमारा एक पैथोजेंस को हटाने का सबसे जो सिंपल जो तरीका है वो क्या होता है, टू रिमूव पैथोजेंस हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है। जब हम वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर तब ये सब डिटेल में आएगा क्लोरीनेशन। फिलहाल आप एट प्रेजेंट इतना जानिए कि अगर हमारा वाटर में पैथोजेंस है अगर हमको उसमें अगर उससे उसको हटाना है हमें तो हम उसमें क्या करेंगे, क्लोरीनेशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो मेरा हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीनेशन किल्स द ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ओके। एंड मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर आप इस नोट्स को परचेज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट करो, आपको काफ़ी लो प्राइस में आपको ये नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ओके। इस व्हाट्सएप मैं ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। मैं हर लेक्चर में बार बार मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये 70% थ्योरी चीज़ है, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप बुक से पढ़ो या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स से पढ़ो, ठीक है। तो अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आप ही का टाइम बचेगा, फ़ायदा आप ही को होगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।